नमस्कार, आई एम आनंद एंड यू आर वाचिंग जॉइन फॉर एडुकेशन। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ सैंपल पेपर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9। सॉल्यूशन ऑफ दिस सैंपल पेपर विल बी यूजफुल टू द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट एनुअल और समेटिव असेसमेंट टू इन द कमिंग मंथ। लेट्स सी द इंस्ट्रक्शन। मैक्सिमम मार्क्स 80, time allowed 3 hours, and this sample paper has 5 sections A to E. Section A has 20 multiple choice questions, section B has 5 questions, section C has 6 questions, section D has 4 questions, and section 3 has case-based integrated unit of assessment, 4 marks each, with sub parts of the value of 1, 1, and 2 marks each respective value. So on the request of the student, I am going to use both Hindi and English languages during the solution of the question. So namaskar, main hu Anand aur aap dekh rahe hain Join for Education. Aaj main sample paper ke prashnon ko hal karne ja raha hu. क्लास 9 है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और सैंपल पेपर में 5 सेक्शन है ए टू ई। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस है एंड सो ऑन, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। एंड लेट सी द क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो 1 मार्क्स के लिए है। द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। इफ वी हैव प्रॉपर आइडिया अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देन वी हैव नो प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सी, ये आपका ग्राफ है, ये आपका ओरिजिन है, ये नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई है, ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई है, ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स है, ये नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स है। तो यहाँ बोलता है कि वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट। अगर सपोज कर लेते हैं ये 3 यूनिट्स है इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? तो ये पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी में ये आपका है, when x equal to 0 then y equal to -3. So the correct option of the question number 1 will be B. Hope that there is no problem to understand the solution of question number 1. If we pick out option B then we can get marks 1. तो यदि हम लोग question number 1 के लिए option B को pick out करते हैं या चुन लेते हैं तो हम एक नंबर प्राप्त कर लेते हैं। लेट सी द क्वेश्चन नंबर 2। द बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूस इज 10 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस। यहाँ बेस आपका गिवेन है, हाइपोटेन्यूस गिवेन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट व्हाट इज द परपेंडिकुलर। तो हम लोग परपेंडिकुलर को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो परपेंडिकुलर और P इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। 100 माइनस 64 इक्वल टू 36 हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 6 हो जाएगा। इन दिस वे द वैल्यू ऑफ P विल बी 6। तो इस प्रकार से P का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब हम लोग रिकॉल कर देंगे 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस। परपेंडिकुलर आपका 6 हो गया, बेस आपका ऑलरेडी 8 दिया हुआ है, तो 6 8 जा 48 हो जाएगा। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन डी में है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 विल बी डी। Hope that there is no problem to understand the solution of this question. अब question number 3 को देख लेते हैं। The length of a chord of a circle is 16 centimeter.
एंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ दैट देर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोगों को यहाँ पर पूछा जा रहा है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, मतलब सर्कल का रेडियस क्या होगा। लेंथ ऑफ द कोर्ड आपका 18 सेंटीमीटर है और कोर्ड जो है आपका सेंटर से 15 सेंटीमीटर पर है। अगर इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल नामक चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, तो ये आपका एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर दिए। ये हमारा हो जाएगा कोड हो जाएगा। अगर ये सपोज कर लेते हैं सेंटर, तो ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 15 और ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 18। तो कोड पर जो है सेंटर से डाला गया जो ये होता है उसको बाइसेक्ट कर देता है, तो यहाँ पर ये 15 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। तो हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, यही आपका रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो हमको P पता है, हमारा B 8 हो गया, तो H निकालेंगे। तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो इट मीन्स दैट 15 का स्क्वायर यदि हम लोग करेंगे तो देन वी गेट 225। व्हेन वी स्क्वायर द 8 देन वी गेट 64। तो 225 में 64 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 289। फिर 289 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे तो हमको मिलेगा 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 17 होगा और 17 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 विल बी सी। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इफ वी पिक आउट ऑप्शन सी देन वी कैन ऑब्टेन 1 मार्क्स। ये 1 मार्क्स के लिए है, तो 1 मार्क हम प्राप्त कर सकते हैं यदि ऑप्शन सी को पिक आउट कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जो है 17 सेंटीमीटर है और 17 सेंटीमीटर जो है आपका ऑप्शन सी में है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। इन ए हिस्टाग्राम द क्लास इंटरवल और द ग्रुप आर टेकन अलोंग। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। हमको पूछ रहा है कि हिस्टाग्राम में क्लास इंटरवल और ग्रुप को हम लोग कहाँ पर लेते हैं, मतलब एक्स वाई एक्स एक्सिस में लेते हैं कि वाई एक्सिस में लेते हैं कि दोनों में लेते हैं या फिर हम लोग बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस में लेते हैं। तो एक्चुअली में ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। तो इफ़ वी हैव प्रॉपर आइडिया अबाउट द हिस्टाग्राम बार चार्ट then we have no problem to understand the solution of this question। तो देखिए ये आपका ग्राफ है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्सिस है। देखिए आपका इंस्टाग्राम का फिगर इसी तरह से होता है। तो ये जो है आपका इंस्टाग्राम द क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। तो क्लास इंटरवल आपका जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस जो है आपका ऑप्शन ए में है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ए। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में रूट टू का वैल्यू आपका दिया हुआ है 1.414। अब हमको पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/√2। तो ये करते हैं कि रैशनलाइज कर देते हैं डेनोमिनेटर को। फॉर दिस वी मल्टीप्लाई nr एंड dr बाय √2, देन वी गेट व्हाट √2/2। तो √2 का वैल्यू आपका है 1.41/2 हो जाएगा। तो 1.414 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे या फिर 1/4 1/2 इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पर फॉर डेसिमल वी राइट डाउन 1 इन द राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल वी हैव 2 डिजिट देयरफॉर वी राइट डाउन 20 सो 100।
व्हेन दिस वन इज डिवाइडेड बाय, आपका सेवन से ये टू से डिवाइड हो जाएगा तो आपका पहला हो जाएगा टू सेवन या 14। अब वन इज लेस देन टू, देयर फोर वी राइट डाउन व्हाट हियर, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 70, फिर लगाएंगे पॉइंट और 25 या 10, तो 70.5 हो जाएगा। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा 0.705। देख लेते हैं कहाँ पर ये ऑप्शन है 0.705। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी 5। सो द करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा 0.075। तो ऑफ दैट देर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। आपका ये ऑप्शन ए में है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ इट इज गिवेन दैट ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ इन ऑर्डर दैट ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ वी मस्ट हैव। अब देखिए यहाँ पर दिया है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ, इसमें ए बी इक्वल टू आपका डी ई दिया हुआ है और बी सी इक्वल टू आपका ई एफ दिया हुआ है, तो इन ऑर्डर दैट वी मस्ट हैव हमारा क्या होगा। तो फिर अगर हम यहाँ लेते हैं तो एक अब एंगल ले लेंगे तो एस ए एस अकॉर्डिंग टू एस ए एस ये आपका कंग्रुएंट हो जाएगा। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। सो वी ड्रॉ दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, सपोज दिस इज द ट्राइंगल डी एफ। सो सपोज दैट ए बी इक्वल टू ए डी एंड सपोज दैट दिस बी सी इक्वल टू ई एफ। So, A, B, it means that this is the B and this is the C and this is the A, this is the D, this is the E and this is the F. Here written BC equal to what? EF and AB equal to what? D. So here will be angle B equal to angle E, then the triangle ABC congruent to DEF. So angle B equal to angle E in option C. So the correct option of the question number 6 will be C. Hope that there is no problem to understand the explanation of the question number 6. Let's see question number 7. Which of the following is not solution of 2x minus 3y equal to 12? So we start to put the value of x and y in the given equation. When x equal to 0, then this one will be 0. And minus 3 into minus 4 equal to 4. So this is the solution of the given equation. Now we try by 2, 3. 2, 2 जा 4 एंड माइनस 3, 3 जा 9, 4 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 5। सो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 विल बी बी। होप दैट देर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। Let's see question number 8. Polynomial of x equal to x to the power 3 minus x square plus xx plus 1, then the value of p to the minus 1 plus p 1 by 2 each. Matlab, it means that first of all we put the value of x minus 1, second time we put the value of x equal to 1, after that we put the value here and we add these two value and divided by 2, then we get the answer of this one.
तो कहता है कि यहाँ एक बार एक्स इक्वल टू माइनस वन रखिए, एक एक बार एक्स इक्वल टू वन रखिए, दोनों ही केस में वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए और टू से डिवाइड कीजिए, जो भी आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और वो आंसर जिस ऑप्शन में है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम व्हेन वी पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो ये आपका माइनस वन हो जाएगा, ये आपका वन हो जाएगा, तो माइनस वन, फिर माइनस वन, माइनस टू हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस वन हो जाएगा और ये प्लस वन, ये फर्स्ट वाला केस में कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपका हो गया माइनस वन और यहाँ से भी हो गया माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस टू। पहला वाला केस में आपका माइनस टू हो गया, जब वन पुट करेंगे तो वन माइनस यहाँ क्या हो जाएगा वन, तो वन प्लस वन माइनस ये कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ वन वन टू हो जाएगा, तो माइनस टू और इसका वैल्यू आपका हो जाएगा टू, तो माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो और जीरो बाई टू इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा जीरो। तो जीरो जो है आपको ऑप्शन सी में है, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर एट विल बी सी। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर एट। सिमिलरली वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर नाइन, इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन आस्क अस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 125 माइनस 1/3, ये माइनस है तो माइनस को जैसे ही यहाँ प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल में चला जाएगा, और चूंकि यहाँ पर टू द पावर 1/3 हो जाएगा, इट मीन्स दैट व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 125 का आपका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ दिस वर्क विल बी 1/5। तो अब देखेंगे 1/5 कौन सा ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन सी में है, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9 विल बी सी। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच ट्रायंगल बी डी सी इक्वल टू 45 डिग्री, ट्रायंगल बी ए डी इक्वल टू 75 डिग्री, देन ट्रायंगल सी बी डी इक्वल टू व्हाट। पैरेललोग्राम है तो ये और ये आपका पैरेलल एंड इक्वल होगा, ये भी आपका पैरेलल एंड इक्वल होगा, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, इट मीन्स दैट एंगल बी डी सी आपका 45 डिग्री है, बी डी सी 45 डिग्री, बी ए डी 75 डिग्री है। हमको यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी बी डी, मतलब ये वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो ये आपका हो गया 45 डिग्री, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 45 प्लस 75, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10, 8 1 4 7 11 प्लस 1 तो 12, तो 120 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। अगर इफ यू कंसिडर अबाउट द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, देन तो किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन जो है आपका 180 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री, क्योंकि ये और ये पैरेलल है इसलिए अल्टरनेट एंगल ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, इसी को पूछा है। तो 60 डिग्री का ऑप्शन हमको कहाँ पर मिल रहा है, तो ए पर मिल रहा है, सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 और करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ए। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इफ यू हैव राइट इन टू द कमेंट बॉक्स आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर डाउट। लेट सी द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा है 64 टू द पावर माइनस 1/3, फिर यहाँ पर लिखा है 64 टू द पावर 1/3, फिर यहाँ लिखा है 64 टू द पावर 2/3, इट मीन्स दैट ये रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1 बाय
64 टू द पावर 1/3 हो जाएगा, माने 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आपका 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 64 का क्यूब रूट आपका 4 होगा, यहाँ भी आपका 4 हो जाएगा, फिर माइनस क्यूब रूट 4 होगा, और 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16। तो 4 माइनस 16 इक्वल टू आपका माइनस 12 हो जाएगा, और माइनस 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 होगा, तो इट मीन्स दैट इसका आंसर आपका हो जाएगा माइनस 3। तो देख लेते हैं माइनस 3 कौन सा ऑप्शन में है, तो माइनस 3 आपका ऑप्शन सी में है, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11 विल बी सी। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एट दिस स्टेप, इस स्टेप में या इस एक्सप्लेनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट सी द क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन नंबर 12, एक ही नंबर का क्वेश्चन है। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन इट, द इक्वेशन रिप्रेजेंट द अबव स्टेटमेंट इज। कहता है कि अगर किसी बॉडी में हम लोग फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन का, तो इट मीन्स दैट एफ जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्सीलरेशन को, ए से डिनोट किया जाता है, सो दिस वन विल बी ए। तो लेट सी हियर, एफ अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं तो यहाँ कोई कांस्टेंट डालना होगा, तो एफ इक्वल टू आपका के ए हो जाएगा। तो देख लेते हैं एफ इक्वल टू के ए कहाँ पर है, तो अगर इसको एक एक्सिस में ले लेते हैं, इसको दूसरे एक्सिस में ले लेते हैं, तो इट मीन्स दैट दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 12 जो है डिनोट करेगा y इक्वल टू के एक्स को। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12 विल बी y इक्वल टू के एक्स। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के एक्सप्लेनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये चूंकि डिनोट करता है, अगर इसको k को कांस्टेंट को ये कर देंगे तो आपका y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स हो जाएगा, वाई अगर डिनोट करेगा फर्स्ट को तो एक्स डिनोट करेगा एक्सीलरेशन को। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम, आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स द इट्स कॉम्प्लीमेंट, द एंगल मेजर्स। इफ वी हैव प्रॉपर आइडिया अबाउट द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के बारे में यदि हमको प्रॉपर आइडिया है तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स दैट यदि दो एंगल को हम ऐड करते हैं तो सम ऑफ द एंगल विल बी 90 डिग्री, देन वी से दैट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अगर दो एंगल को अगर हम ऐड करते हैं और सब 180 डिग्री आ जाता है, then we say that each angle are supplement to each other or supplementary to each other. तो कहता है कि the measure of an angle is 5 times of its complement. अपने complement का कितना है? 5 times है किसी angle का measurement. तो suppose that अगर the measure of an angle is 5 times of its complement. तो अपने complement का 5 times है, अगर इसको 5 से हम divide करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगर हम 15 ऐड कर देंगे 75 में तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इट मीन्स दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 75 डिग्री, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13 विल बी ए। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक बार फिर से देख लेते हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 times इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो जो भी है तो द एंगल मेजर कॉम्प्लीमेंट का यहाँ देख लिए, या तो 75, ये 4 ही ऑप्शन है तो इसी में से कोई एक होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही यहाँ पर ट्राई करना शुरू कर दिए। 5 times है तो 5 से डिवाइड किए तो हो गया 15, तो एक एंगल 75 डिग्री, तो दूसरा एंगल आपका कितना हो गया? 15 डिग्री। दोनों को अगर ऐड करते हैं
तो यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। तो सम ऑफ दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्री, देयरफॉर बोथ आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर। जो ऑलरेडी यहाँ पर बताए कि कंप्लीमेंट क्या है और सप्लीमेंट्री क्या है। यदि दो एंगल को ऐड करेंगे 180 डिग्री आया तो सप्लीमेंट्री हो गया, अगर एक आया 90 डिग्री आया तो कंप्लीमेंट हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13 विल बी ए। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। चूज द रेशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन -2/3 एंड -1/5। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के हम लोग एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन के यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। सिंस 3/10 ग्रेटर देन -2/3 एंड 3/10 ग्रेटर देन -1/5। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14 विल बी 3/10। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन। इफ यू हैव राइट इट टू द कमेंट बॉक्स, आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर डाउट। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14 विल बी 3/10 and 3/10 is present in the option D. So the correct option of the question number 14 will be D. Let's see. So this is the D. So the answer of the question number 14 will be 3/10 and the correct option will be D. Hope that there is no problem to understand the solution of question number 14. So in the next video lecture I shall solve rest question of this sample paper. Thank you very much to stay with me till the solution of the question number 14, and hope that the explanation or solution of the question number 1 to 14 will be the useful to the students of class 9 who are going to write annual examination in the coming months. If you think that this explanation or solution is useful to the students of class 9, please do share other students of your surrounding. This solution will be useful to the students of class 9 together with audience who are interested in mathematics. So once again I thanks to all of you to stay with me till the solution of question number 1 to 14 of this sample paper. In the next video lecture I shall solve rest question of this video lecture. Till then, thanks to all of you. Thank you very much.